तो भाइयों बहनों आ गए हैं हम अपनी नई वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर कैसे पढ़ें। तो आज हम सबसे पहले मैं अपने चैनल का नाम बता दूं, थोड़ा प्रमोशन कर दूं, आकाशगंगा 1.0। इस चैनल पर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो और हम लोग तैयारी करवाते हैं सुपर टेट, यूपी टेट, इससे रिलेटेड मोस्टली सभी प्रकार की गाइडेंस भी मिलती है। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और मैं बता दूं, मैं सुपर टेट का स्टूडेंट हूं, तो स्टूडेंट ब्लॉग भी अपने चलते रहते हैं। तो अब आज हमारा टॉपिक है सुपर टेट। सभी लोगों को बनना है यूपी में मास्टर और आने वाली है जगह, तो सभी लोग हो गए तैयारी में, मुझे आए हैं कि भैया सर इसका कुछ बताइए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सुपर टेट हमारा 30 मार्क्स का आता है सीधे सीधे। तो कितने भी जितने भी टॉपिक हों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सुपर टेट के लिए करंट अफेयर। हमारा चेक कर क्या है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का पहले अगर साफ दिखा तो समझ नहीं जाए तो क्या होगा, बताइए भाइयों बहनों। एक मैं फनी मीम पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब क्या होता है, दो बिजली के तारों का एक दूसरे से अफेयर हो जाता है तो उसे करंट अफेयर कहते हैं। तो इसी करंट अफेयर को आज हम समझेंगे नए स्टाइल में। तो सबसे पहले हमें समझना है कि 30 नंबर कहाँ है, इसे हम मजाक में नहीं ले सकते, हम इसको सीरियस वे में हमें करंट अफेयर पढ़नी है। तो कैसे पढ़ें, कौन सी बुक प्रेफर करें, एक आती है घटना चक्र वाली, एक आती है 15 डेज वाली, और एक आती है स्पीडी की आती है, और इसकी आती है उसकी आती है। तो कितनी सारी बुक मार्केट में मिल जाएंगी करंट अफेयर, तो किससे पढ़ें, क्या सारी बुक उठा के लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको केवल एक बुक लानी है, ओनली और ओनली एक। देखो दिमाग का फैक्ट मैं बात करता हूँ, मैंने दिमाग पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है, यूट्यूब पे मैंने 600 से ज़्यादा वीडियो देखी दिमाग से रिलेटेड हमारा, और इसके बाद 25 से 30 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ दिमाग से रिलेटेड, कि हमारा दिमाग वर्क कैसे करता है एक्चुअली में, किस तरह से इसे डिजाइन करा गया है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि अगर दो चीज़ें रख दी जाएँ हमारे दिमाग के पास, तो हमारा दिमाग सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा दिमाग सही और गलत में अंतर कर ही नहीं पाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये सही है या ये गलत है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। हम कोई भी चीज़ होती है तो हम किसी दूसरे से सलाह लेते हैं या कि कौन सा हमारे लिए सही होगा, और वो बता दे ये सही, और हमारे दिमाग को लगेगा कि हाँ ये सही है क्योंकि उसने ऐसा हमें कहा है तो वही सही होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, दिमाग को हमें क्या करना है, कन्फ्यूज नहीं करने देना। अगर आप तीन बुक लेके आए, इसमें भी मटेरियल, इसमें भी मटेरियल, इसमें भी मटेरियल, एक दो तीन, अब क्या होगा, दिमाग के सामने तीनों बुक रख दी, अब उसे समझ नहीं आ रहा ये सही है या ये सही है, ये सही है, अब तीनों को पढ़ने की कोशिश करेगा, तो इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा, इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा, इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा, और मिला के केवल इतना सा पार्ट सीख पाए, फैक्ट है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लाएंगे एक ही बुक, क्योंकि तीन फैक्ट पढ़ने से ए यही पढ़ लो तो आधी बुक तो खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लाएंगे एक ही बुक लाएंगे, और वो बुक कौन सी होगी, वो होगी स्पीडी की करंट अफेयर, स्पीडी करंट अफेयर। इससे बेटर बुक कोई भी नहीं है। अगर आप बड़ी यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब घटना चक्र लाएगी, उसका जो मटेरियल है इतना हैवी मटेरियल है उसको आप पढ़ ही नहीं सकते, जबकि उसमें मैंने देखा है टॉपिक वाइज दिया वो बेहतर है लेकिन उसका मटेरियल आप नहीं पढ़ सकते। मैंने घटना चक्र पढ़ के देख ली, बेकार बुक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लीजिए करेंट अफेयर की स्पीडी वाली बुक, यही बुक आपको लानी है, पतली सी बुक आती है। और आपको मैं बता दूं कि घटना चक्र बिल्कुल नहीं लाएगा। अब देखो मुझे कोई प्रमोशन या पैसे नहीं मिल रहे इसकी बताने के लिए, मैंने खुद से पढ़ डाली, देखो पूरी बुक पढ़ के डाली मैंने, तब मुझे पता चला कि इससे बेटर बुक और कोई है नहीं हमारे सुपर टेट की तैयारी के लिए। मैंने सारे पेपर भी एनालाइज करे, 2019 का पेपर एनालाइज करा था, 2018 का पेपर एनालाइज करा था, तो देखो क्या था उसमें, इसी से जैसे मैंने इसका देखा था जो बुक्स रिलेटेड दी थी, तो उसके सबसे पहले जो बुक दी थी एग्जाम वॉरियर, वही सीधी सीधी पूछ ली गई थी। तो सबसे पहले बुक इसमें दिख रहा था कि बुक रिलेटेड सबसे पहले बुक पर थी, तो सीधा सीधा मिल गया उसमें से क्वेश्चन। इसके बाद मैंने देखा था कि इंडेक्स वाले दो क्वेश्चन आए थे सीधे सीधे, तो इसमें जो इंडेक्स दिए गए थे इसमें मोस्टली सारे इंडेक्स उन्होंने इंक्लूड करके रखे हुए हैं ये सारे, तो इन्हीं में से इंडेक्स मिल गए थे, ऊपर से ही मिल गए थे मतलब। और इसके देखो क्या करते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा दिया है कि देखो जैसे आ गए सबसे पहले नियुक्तियां देते हैं कई सारे नियुक्तियां, और इनमें से जो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक करके देते हैं ये बिल्कुल नव नियुक्त नियुक्तियां होती हैं जो अभी अभी हुई हैं, मतलब जस्ट अभी अभी हुई हैं, तो एक वो डार्क करके। तो पहले आप डार्क वाले पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में जो नव नियुक्त हुई हैं मतलब करेंट में हुई हैं वही आती हैं, तो पहले आप डार्क वाले पढ़िए फिर इसके बाद कोई पढ़िए,
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ए बुक लाइए। देखो इसमें सारे दिया गया है और इसमें आप ए पढ़ेंगे तो आपकी स्टैटिक जीके का भी पोर्शन काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ए पढ़ना है। और इसके बाद मैं बता दूं पीछे रहते हैं इसमें सारे महीने के दिए रहता है 6 महीने का, कि जुलाई का पूरा और एक पूरा ए पूरा, तो आपको वो भी पढ़ने हैं। अब इसके बाद कैसे पढ़ने, देखो कई सारी चीज़ें, देखो दिमाग से रिलेटेड एक फैक्ट बता दूँ, हमारा दिमाग कभी भी नंबर को याद नहीं कर सकता। अब आपको लगेगा कि ये क्या कहती है, ये मोबाइल नंबर मैंने याद कर रखे हैं, 4-4 मोबाइल 5-5 नंबर याद हैं। तो देखो दिमाग कैसे वर्क करता है, दिमाग को हमें बताना पड़ता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे अगर मैं कह दूँ कि मैंने मुझे सीखना है 5 मोबाइल नंबर मैंने याद करे हुए हैं, मुझे 5 मोबाइल नंबर याद हैं, तो मैंने दिमाग को कहीं ना कहीं बताया होगा कि 5 मोबाइल नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको किसके याद होंगे, आपके खुद का होगा, आपके रिलेटेड होंगे, एक दो क्वेश्चन घर वालों के होंगे बस, क्योंकि आपने उन मोबाइल नंबर का बार बार यूज करा है, बार बार फिर से बताया ना, उनके पापा का नंबर देना, उन्होंने बताया अपना नंबर, तो हर जगह बताते हैं इंक्वायरी पर ये नंबर, तो आपने दिमाग को ऐसे बार बार रिवाइज करा। तो जो हम लोग बार बार कहते हैं कि रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, तो पता है क्या होता है, रिवीजन करने से दिमाग को ऐसा मैसेज जाता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा, एक बार पढ़ लिया बंदे ने मतलब ठीक है, पता दिमाग को लगा कि हाँ ठीक है नॉर्मल, फिर पढ़ा तो फिर पढ़ा फिर, तो आप जितनी बार रिवीजन करते हैं तो दिमाग को ये मैसेज जाता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके रखना है, इसलिए वो आपको चीज़ें याद रहती हैं। मैं ये बता दूँ फैक्ट, तो रिवीजन इसी पर बेस्ड है कि दिमाग को ये पता चलना चाहिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, तो जब आप ये सब बताएंगे तभी वो चीज़ें याद रखेगा। इसलिए आपको 5-10 मोबाइल नंबर याद रहते हैं। और इसके बाद देखो इंडेक्स आते हैं, तो इंडेक्स में रहता है कि मैं बताऊं कि वो ह्यूमन मानव विकास सूचकांक वाला इंडेक्स आया, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें इसकी रैंक है 131, भुखमरी में 94 और इसमें 77 सस्टेनेबली में, और इसमें नवाचार वगैरह 48 वगैरह। तो आप देखो जैसे ही इतने ज़्यादा नंबर देखो कुछ होंगे तब आपको याद रहेंगे, जैसे ही नंबर आपने कई सारे नंबर याद करे, इसकी 77 रैंक है, इसकी 76 रैंक है, इसकी 75 रैंक है, इसकी 74 रैंक है, अब दिमाग हो गया कन्फ्यूज कि भैया इनमें से इम्पोर्टेंट कौन है, नंबर ही नंबर तो है 76, 77, 78, अब इनमें से इम्पोर्टेंट कौन है। तो अगर आप उस नंबर को बार बार पढ़ रहे हैं तब तो आपको वो याद रहेगा, और नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं रहेगा। तो देखो आप कई सारे इंडेक्स मैं बता दूँ नहीं याद कर सकते, मोस्टली 5-10 कर लें लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी इस पर, बहुत याद करने फिर भी मैं कन्फ्यूज हो गया, जैसे ही एग्जाम हॉल में गया मैंने ऑप्शन देखी 73, 74, 75, 76, अब इसमें कन्फ्यूज हो गया, क्योंकि दिमाग कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए मैं बता दूं एक बहुत अच्छा मेथड होता है, निमोनिक मेथड होता है, यूपीएससी वाले याद करते हैं, और एक सर थे मैं भूलना आपको भुला दूंगा, उन्होंने बताया था मेथड भी बहुत अच्छा लगेगा लगाता। तो नंबर को याद करने के लिए जो निमोनिक मेथड होता है वो मैं आपको पूरा एक वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आप नंबर को याद करें, नंबर याद करने के लिए, क्योंकि नंबर भूलना सबसे सिंपल कॉमन एरर है ह्यूमन का, क्योंकि दिमाग को नंबर याद नहीं होते हैं। तो उसको याद करने के लिए मैं बताऊंगा कि आप निमोनिक मेथड का यूज करें, वो मेथड भी मैं बताऊंगा आपको पूरा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी बता दूं, थोड़ा बड़ा मेथड है। और दूसरी बात, अब कुछ लोग कहते हैं भैया हम अभी से नहीं पढ़ रहे, एग्जाम के 15 दिन पहले से करंट अफेयर पढ़ेंगे या 30 दिन पहले से करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि करंट अफेयर में पढ़ना क्या होता है आपको ये पता है। उन्होंने कहा नवनियुक्त नियुक्तियां, इस के कौन से अध्यक्ष हैं, इसके कौन से ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो क्या पढ़ना है इनका नाम, और उनके बाद कौन से मंत्री हैं उनका नाम, किसने ये जीती है प्रतियोगिता उनका नाम, किसको ये पुरस्कार मिला है उनका नाम, और किसने ये उद्घाटन किया है, किसने ये बुक लिखी है, तो उनका नाम। तो अगर आप ध्यान से सीखें तो हमें केवल नाम नाम याद करने हैं, तो आप कितने नाम याद कर सकते हैं, 1000 नाम याद कर सकते हैं क्या, तो नाम 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 इतने सारे नाम याद रख सकते हैं क्या आप, तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। 5 से ज़्यादा मोबाइल नंबर याद होते नहीं, इतने सारे नाम कैसे याद रखेंगे। तो आपको मैं बता दूँ स्ट्रेटजी यही है कि लास्ट 15 डेज के लिए आप 30 नंबर का कुर्बान मत कीजिए, आप इसकी तैयारी अभी से करिए, डेली करंट अफेयर पढ़नी है आपको। और मैं बता चुका हूँ कि आपको कब से पढ़नी है, सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे क्या करेंगे आप,
करंट अफेयर को पढ़ेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, सैटरडे को क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, और संडे आप बिल्कुल करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग लर्न करते हैं उसको एक सिस्टम में अरेंज होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैंने पढ़ा ए का वन, बी का है फोर, सी का कुछ फाइव नंबर है, अब इन चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा टाइम देना चाहिए, दिमाग को थोड़ा आप फ्री रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको क्या करना पड़ेगा, संडे को थोड़ा आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ए का चार नंबर है, बी का पांच नंबर है, ये सब मिक्सअप ना हो जाए। तो आप केवल पाँच, मैं कहूँगा कि मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर पढ़िए, सैटरडे को इसका रिविजन करिए, और इसके बाद मंथली रिविजन करिए, आप एक मंथली लास्ट के मंथ में आप पूरा रिवीजन करिए मंथली की क्या हुआ है, और जो मैं कह रहा हूँ वीकली रिवीजन वो आपको करते जाना है। और इसके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल नहीं, वो टेलीग्राम चैनल है वाईटी स्टडी, तो वो डेली डेली वीडियो नहीं देख पाते हम, कौन करंट अफेयर की डेली वीडियो देख रहा, तो वाईटी स्टडी चैनल है और एक नेक्स्ट एग्जाम है, तो ये दोनों चैनल क्या है पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं टेलीग्राम पर, आपको जाना है टेलीग्राम पर और इन दोनों चैनल को सर्च करना है, और उनकी डेली पीडीएफ डली रहती है कि एक तारीख की है, दो तारीख की वो है, उसमें 15 क्वेश्चन ही रहते हैं, 15 क्वेश्चन रहते हैं, आपको वो लर्न नहीं करने, आपको केवल एक एट अ ग्लांस देखना है उसको, सरसरी निगाह से उसको देखना है, वो 15 क्वेश्चन आप देख रहेंगे तो आपके दिमाग में छपा रहेगा, और इसको और 15 क्वेश्चन दोनों की आप एक बार पहले देखिए ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और फिर एक बार, और तीन बार आपको ए 15 क्वेश्चन देखने, तीन बार आपको ए 15 क्वेश्चन देखने हैं, लर्न नहीं करने हैं, रटना नहीं है, केवल उनको दिमाग में रखना है, कुछ चीज़ें वो अपने आप ही दिमाग उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको ऐसा करना है, ए दो चैनल टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, तो उनकी पीडीएफ पढ़ते रहना है, आप डेली उनकी पीडीएफ पढ़ते रहें, और अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर करें तो मैं बता दूँ ग्रेड अप चैनल है, जो ग्रेड अप, उसमें फ्री में डेली की क्विज आती है, डेली करेंट अफेयर क्विज, तो जब आप वो 15 क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे फिर जाइए आप ग्रेड अप चैनल पर, वो डेली करेंट अफेयर, उनमें से आपको चार पांच क्वेश्चन मतलब इसी में से मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर क्विज सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन के साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका है। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सुबह से उठकर आधा घंटा आपको इस पर वेस्ट करना है, और आधा घंटा आपको मैं कहूँगा इस बुक पर वेस्ट करना है, एक घंटे डेली आपको वेस्ट करना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए, तब आपके 30 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो इसमें से क्या करें, आप डेली एक पेज पढ़ लिया करें, कोई भी 15 एक पेज पढ़ लिया करें, बस याद कर लें, ये बुक तो हो जाती है 10 दिनों में ख़त्म हो जाती है, अगर सही से करना चाहो उसको रिवाइज कर लो, बार बार रिवाइज कर लो, बस आपका काम हो गया। ये तो थी हमारी करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी, जो आपको फॉलो करनी है, करंट अफेयर को तैयार करना है, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करी जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि किस तरह की आप स्ट्रेटजी चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं, और भी सारी मैं स्ट्रेटजी आपको बताता रहूँगा। और मैं बता दूं कि 15 डेज जो अभी लास्ट का बचा हुआ है, 15 डेज सी टेट स्ट्रेटजी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसमें 15 डेज सी टेट स्ट्रेटजी, हम लास्ट 15 डेज में कैसे सी टेट को पढ़ें और अपना एग्जाम बेहतर करें। और इसके बाद एक और वीडियो वे रेडी हो रही है, क्वेश्चन वाली आती है पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड, सी टेट के लिए कौन से पॉजिटिव वर्ड हैं, कौन से निगेटिव वर्ड हैं, कि मतलब आपको अगर ज्ञान भी नहीं है तो उन वर्ड से आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली मैं कहूँ कि 20 क्वेश्चन आपको केवल इन्हीं वर्ड से मिल जाएंगे 150 में से, बाकी आपके 130 आपका वो रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो इनके लिए आ रही है, तो आप बताइए कि कैसा लगा हमारा जो व्यू है वो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।